साथियों, इस देश के नब्ज को पहचाने बगैर इस देश में क्रांति संभव नहीं। इस देश का जो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश है, इसको समझना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद जैसे लोग, काल मार्क्स जैसे लोग, कबीर जैसे लोग भारत की धरती पर, बुद्ध जैसे लोग भारत की धरती पर असफल हो गए, अब ब्राह्मणवाद सफल। इसका कारण है, हर कार्य के पीछे कारण होता है, बिना कारण का कोई कार्य होता ही नहीं। और सत्य को, सत्य क्या है? सत्य क्रांतिकारी कदम है, वैज्ञानिक ताकत है, सत्य में अपार ताकत है, सत्य में एक्सप्लोसिव ताकत है। सत्य को कितना हूं गड्ढा खोन करके दफना देंगे, उस पर से खूब धुरमुस चला देंगे। जिस दिन सत्य एक्सप्लोसिव पावर गैदर करेगा, ऐसा भीषण विस्फोट करेगा परमाणु बम के तरह की, सारे ढके हुए कूड़ा करकट को उड़ा करके ले जाएगा। सत्य में वो ताकत है। सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। अगर जो मानव एमए पीए कर गया, आईएएस आईपीएस कर गया, डॉक्टर इंजीनियर हो गया, वो भी अगर गोबर को गणेश बना दे रहा है, ब्राह्मण हम गणेश मान के नमस्कार कर लेते हैं, अगर गोबर को ब्राह्मण अगर हलवा बना दे तो खा लेते हैं। गोबर को गोबर समझना ही ज्ञान है, और पत्थर को पत्थर समझना ही ज्ञान है। नहीं तो हम पत्थर को देवता समझ ले, गोबर को देवता समझ ले, तो ज्ञान का ये परिभाषा नहीं है, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ये टोटल अंधविश्वास है, पाखंड है। इसी का विश्लेषण वैज्ञानिक थॉट के आधार पर रामस्वरूप वर्मा ने इसका व्याख्या और विश्लेषण किया। इस तरह के भारत की धरती पर अभी तक कोई चिंतक नहीं हुए जो रामस्वरूप वर्मा ने जो विचार दिया। और डॉक्टर अंबेडकर भारत की धरती पर ये रियल में सामाजिक परिवेश को, अपमान को, तिरस्कार को उन्होंने झेला है। वो सामाजिक परिवेश का डॉक्टर डॉक्टर रियल में अंबेडकर थे। जिस दंश को उन्होंने झेला, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं अपने देश में अगर सामाजिक विषमता को, सामाजिक इस जहर बुराई को दूर नहीं किया तो मैं अपने सीना में गोली मार करके आत्महत्या कर लूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। आज तक हमारे देश में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? दुनिया के बड़े बड़े देश, भारत से 5 गुना 7 गुना बड़ा देश सोवियत संघ, इतना बड़ा देश दुनिया का लिबरेट हो गया। और चाइना भारत से 3 गुना बड़ा देश है, प्रगतिशील पदार्थवादी विचार मार्क्स का वहां सफल हो गया, रूस में सफल हो गया, कंबोडिया लाओस हंगरी में सफल हो गया। भारत में इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा सोच बुद्ध का, बाबा साहब अम्बेडकर का, रामस्वरूप वर्मा का, कबीर का, ये क्यों नहीं सफल हो रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कारण है। कारण का तब तक निवारण हम नहीं करेंगे, कारण को जानेंगे नहीं तब तक उसका निवारण हम नहीं कर पाएंगे। कारण यहां है कि जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी, ब्राह्मणवाद रहेगा। जाति व्यवस्था आज हमारे देश के बड़े लोग चाव से कहते हैं, कह नीतीश जी तो जाति जनगणना कर बहादुरी का काम कर छक्का मार लिए। अरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव की एक जाति है, इसमें अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसादी गनवा करके और मनुवाद को मजबूत करने का काम तो नीतीश किया। जाति कहां इंसान में है? अगर जाति अपमान करके अगर उसको सही मान लिया तो आप ही ब्राह्मणवाद के व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे। इंसान की जाति नहीं होती है, इंसानों में जाति ही नहीं होती है, और रेस होता है, आर्य रेस, मंगोल रेस, हब्सी रेस, है कि नहीं? लेकिन इंसान में जाति नहीं होती है। मछलियों में जाति होती है, पक्षियों में जाति होती है, पशुओं में जाति होती है, और कीट फतिंग में जाति होती है, लेकिन इंसान की जाति होती ही नहीं। अगर इंसान की जाति मान करके अरुण गुप्ता चलते हैं, इसका मतलब हम अर्जक संघ नहीं है, हम अम्बेडकरवादी मार्क्सवादी है या नहीं है? भारत में असफलता का कारण, अर्जक संघ की असफलता का कारण कि हम सत्य को सत्य के रूप में नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, जिसका नतीजा कि हम घुसकुरिया काट रहे हैं, हम
हम सत्य के साथ गला घोट, सत्य का गला घोट रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को नहीं चलाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को लाने का हम प्रयास करेंगे। कितना शानदार का बात कबीर ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर जा रहा है अपना चले हमारे साथ। यह है ना कबीर का, जो अपना निर्माण करेगा वो समाज का निर्माण नहीं करेगा, अहित करेगा। जो अपना अहित करेगा वही समाज का विकास और निर्माण करेगा। महामना बुद्ध अपना नुकसान किए, बाल बच्चा राजपाट सारा भोग विलासता का सारा चीज को लात मार करके बुद्ध समाज के कल्याण में चले, तब न बुद्ध बुद्ध हुए।